तो अनदर ब्लॉग, आज मैं जा रहा हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है और मंदिर के क्या कहते हैं, अंदर तो फोन अलाउड रहता नहीं है, बाहर का जो भी होगा वो मैं आपका ओवरऑल व्यू दूंगा। और मेरे साथ जा रहा है हर्षित और है 222 है, हाँ 222 किलोमीटर है, मान के चलो बरेली के याद है 222 किलोमीटर कुछ। मेरे सब्सक्राइबर बैठे हैं मेरे बगल में और हमें जाना तो सुबह था बांके बिहारी जी, पर कल रात में हम थक चुके थे इसलिए ऊपर ही चढ़ने तो थक चुके थे हम, इसलिए आज थोड़ा दिन हो गया था तो बिहारी जी के दर्शन बंद हो गए थे, तो अब हम जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। गाइस हम पोत्रा कुंड पे पहुंच चुके हैं और अब जाएंगे जन्मभूमि में, जन्मभूमि में दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम घर को निकलेंगे। ये देखिए श्री कृष्ण मथुरा, श्री कृष्ण जन्म स्थल के पास का है पोत्रा कुंड है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जन्मभूमि की तरफ, सब लोग सब्बू को गोदी में बावड़ी नहीं होती है ये देखो, चू हेलो कर, ऐसी लड़की है ये देखो, भाई यहाँ से कैसे मंदिर के मेरी वो कहना मंदिर के पास की ये दुकान है और कब्बू को मैं गोदी में ले जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है पैर जल रहे हैं और मैं और हमने चप्पल भी नहीं पहने, नंगे पैर चप्पल भी नहीं पहने। गाइस मुझे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। वो आगे जा रहे हैं हमारे मामा लोग और मौसा जी, पहुंच चुके हैं, अब हमें अपना फोन यहाँ जमा करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम मंदिर से दर्शन करके वापस आ चुके हैं, ये देखिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और आगे दिखा दे ये देखो सब आ चुके हैं, ये जिया कब्बू आगे और लोग चल रहे हैं अभी हमारे दोनों मामा मौसा जी को दिखा दे, ये हमारे मामा मौसा जी, मौसा जी यहाँ तो देखो मौसा जी, अरे यहाँ देखो, हेलो बोलो, हेलो कैसा लगा आपको, बहुत बढ़िया। ये मौसी अभी दुकानदार से कुछ ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या मिल रहा है। ये सब तो गाइस अब ये करण मनु मामा के कंधे पे चढ़ गया है और ये ड्रीम वगैरह ले रहे हैं और हाल ले रहे हैं दीदी लोग, अभी हमने और चीजें भी ले रखी हैं। मंदिर के जस्ट बाहर ये शॉप थी तो दीदी लोग ये ले रहे हैं फ्रेम और मेरे कंधे पे है करण, ऊपर देखो और हर्षित ये लो बड़े। तो गाइस अभी हम मंदिर से वापस आ चुके हैं और हम रुके हैं यहाँ अभी ब्रिजवासी में अपना लंच करने के लिए, ये जा रहे हैं मनु मामा पेट में डालने, बहुत देर से कुछ गया नहीं है, मंदिर गए थे तुम्हारे कम खा के गए थे, आ कहीं नहीं गए थे दीदी लोग। तो गाइस यहाँ हमारा खाना अब आ चुका है, अभी देखिए कुछ बोलो तो सही मनु मामा, अच्छा लग रहा है खाने के लिए वो वहाँ और मामा अभी आ रहे हैं।
मामा कुछ लेने गए होंगे अभी। ये कब्बू को आ रहा है असली मज़ा। कब्बू कैसा लग रहा है? छुप छुप के। अच्छा हेलो गाइस तो बोले आते लाते चल। हो गया पर डार्क सर्कल हो गए गाइस। मैं ये ब्लॉग को काफ़ी दिनों बाद वो कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। बट होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है।